लेफ्ट डाउन डाउन बाय वेयर आर यू कमिंग आउट ओए इसने दो स्कूप प्री वर्कआउट लिए है और मेरा स्कूप देखो ये देखो बच्चे रोक लेते हैं काफी बच्चे लोग पागल हो जाते हैं इतने में ये एक स्कूप भी नहीं है पूरा और वो भी ये सब बच्चों वाला प्री वर्कआउट लेके रखा है इस बार टोटल वॉर आज डेडलिफ्ट है आज मेरा टॉप सिंगल है 142.5 पे एक रेप बड़ा ही बेबी सा प्री वर्कआउट है टोटल वॉर मेरे को पीने के एक डेढ़ घंटे बाद अभी हिट हो रहा है अभी बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है प्री वर्कआउट अभी हिट हो रहा है तो देखते हैं आज डेडलिफ्ट कैसे जाता है 142.5 का सिंगल कल स्क्वाट्स बढ़िया मूव हुआ आई वॉन्ट कि आज मेरा डेडलिफ्ट भी वैसे ही बहुत अच्छा मूव हो Exhale, 'cause I heard it helps, but same old way I felt. Resting on my shoulders, cold night in a sleepless bed. White eyes with a glaze of red. I'm going round and round. It won't let me out. I just have one personal learning about the weights is कि कोई भी weights बड़ा या छोटा नहीं होता है आप अगर strength gain करते हो तो अगर आपको लग रहा है कि 60, 80, 100, 120 is you know very light weight and all तो नहीं it's one of my personal experiences अगर किसी चीज़ का ऐसे घमंड आ जाए या ऐसे ईगो में आ जाओ ना कि हाँ अब तो मैं इतना डेडलिफ्ट मार लेती हूँ तो वो छोटा से छोटा वेट भी ना आपको एक दिन बहुत हैवी फील करा सकता है एंड You feel very down अंदर ही अंदर So this is just one personal learning that I have that I wanted to share is कि कोई भी weights हो कभी उसे underestimate नहीं करना चाहिए अभी 100 kg load कर दिया है इस पर एक रेप मारेंगे वार्म अप चालू है चलो लेफ्ट डाउन चलो मोर टाइटनेस लेफ्ट इजी इजी डाउन पे वन रैप हो गया टॉप सेट हो गया अभी बैक डाउन है 2x2 टू सेट टू रैप्स 120 पे तो 120 लोड कर दिया है स्ट्रैप्स के साथ मारेंगे मेंटल इलनेस इट्स अ थेरेपी ये खुद से बात करती है इसे समझाओ कि ये मेंटल इलनेस है नो एवरीवन वाचिंग दिस आई वांट यू ऑल टू एक्सेप्ट दिस इन द कमेंट्स बिलो दैट टॉकिंग टू योरसेल्फ इज अ थेरेपी फुल लॉकआउट थोड़ा होल्ड करना
डाउन स्लोली मैंने जब से पावर लिफ्टिंग शुरू की है तब से लेके अभी तक मैंने हमेशा जॉर्डन्स के लिए स्क्वाट किया है जॉर्डन्स खरीदने तक उसके पहले तो कोई भी शूज पहनती थी आज करण ने अमेजोन से RXN का स्क्वाट शूज ऑर्डर किया है तो मैं थर्सडे को अपने सेकेंडरी स्क्वाट डे के लिए क्या पहनूंगी स्क्वाट शूज पहनूंगी और मुझे बहुत दुख हो रहा है उस चीज का क्योंकि मुझे जॉर्डन्स में स्क्वाट करना बहुत पसंद है। मैं घर आते ही वर्क फ्रॉम होम के लिए बैठ जाती हूँ, ये मेरा काम। और ये मेरा डाइट, 200 ग्राम राइस दाल के साथ और 250 ग्राम चिकन है, 500 ग्राम चिकन होता है जो आधा अभी और आधा रात को खा लेती हूँ, अभी खा लेती हूँ, बहुत वर्कआउट कर लिया, बहुत भूख लगा है। मैं अपने 500 ग्राम चिकन में से आधा अभी खाती हूँ और आधा रात को। मम्मी अभी ये खाएंगे और फटाफट वॉक पे जाएंगे 8 के स्टेप्स कंप्लीट करने। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। खाना पूरा हो गया, डाइट पूरा कंप्लीट हो गया, अभी 4000 स्टेप्स हो गए, 4000 बाकी है। अभी जस्ट 11 बजे मेरा लॉग आउट हुआ है तो अभी 4000 स्टेप्स कंप्लीट करके घर जाके सो जाएंगे जल्दी ताकि रिकवरी भी अच्छे से हो। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। बाय।